हेड के बाद नटराजन ने बरपाया कहर, हैदराबाद की लगातार चौथी जीत, घर में हारी दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल 2024 के मैच नंबर 35 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 67 रनों से हरा दिया। शनिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हैदराबाद ने मेजबान टीम को जीत के लिए 267 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए उसकी पारी 199 रनों पर सिमट गई। सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी जीत रही। हैदराबाद अब 7 मैचों में 5 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर आ गई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 3 जीत के साथ 7वें स्थान पर है। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने सर्वाधिक 65 रन बनाए, लेकिन वो नाकाफी था। जैक ने 18 गेंदों की पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए। कप्तान ऋषभ पंत ने भी 35 गेंदों पर 44 रनों की धीमी पारी खेली। इसके अलावा अभिषेक पोरेल ने 42 रनों का योगदान दिया। हैदराबाद की ओर से टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वहीं नीतीश रेड्डी को 2 विकेट मिले। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत काफी तूफानी रही। 5 ओवरों में ही उसने 100 से ज्यादा रन बना लिए। आईपीएल के इतिहास में ओवर्स के हिसाब से ये किसी टीम का सबसे तेज शतक रहा। देखा जाए तो हेड अभिषेक के बीच महज 6.2 ओवरों में 131 रनों की साझेदारी हुई। अभिषेक ने 12 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। अभिषेक शर्मा को कुलदीप यादव ने चलता किया। कुलदीप ने इसके बाद उसी ओवर में एडन मार्करम को भी सस्ते में निपटा दिया। बाद में कुलदीप ने ट्रेविस हेड को भी चलता किया, जो 32 गेंदों पर 89 रन बनाकर आउट हुए। हेड ने अपनी तूफानी पारी में 11 चौके और 6 छक्के लगाए। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद रन गति में जरूर गिरावट आई, लेकिन तब भी सनराइजर्स की टीम विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। हेड अभिषेक के बाद नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद ने उपयोगी पारियां खेली। शहबाज अहमद ने 29 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वहीं नीतीश रेड्डी ने 27 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। नीतीश ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। तो अपने ही घर में दिल्ली कैपिटल्स को इस करारी शिकस्त के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।